आप हाई ड्रेन के बहाने से, आपने जो नोटिस जारी किया हाई ड्रेन के बहाने, हाई ड्रेन तो यहाँ बन चुका है, सरकार ने तो यहाँ पर हाई ड्रेन का फंडिंग भी दे दिया, हाई ड्रेन बन चुका है, बनने के बाद यहाँ रास्ता बन रहा है, वो ऑपरेशनल है, आप देख सकते हो कैमरा घुमा के यहीं पर हाई ड्रेन बना हुआ उसका। कंपनी कोई स्टेप लेता है तो कुछ ऑफिशियल होना चाहिए ना, नोटिस होना चाहिए या कुछ भी, ताकि हम लोग उसके लिए तैयार हो कानूनी तौर पर, कुछ भी तौर पर। हम लोग आतंकित ना, मन में भय क्यों लाया जा रहा है, हम लोगों को तो मन में भय आ जाए ना। वहाँ पर उनका 80% दुकान का मार्क कर दिया गया कि हाँ, जिस तरह से भयभीत हो रहे कि उनका दुकान टूट जाएगा। दो तला दुकान है, लगभग 50-60 सालों से या 40 साल से इनके पिताजी ने बनाया, अभी ये चला रहे हैं, इनके पीछे पुत्र चला रहे हैं, तो अचानक से अगर हम लोग कोई तैयारी करने का कोई वक्त नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पर लगभग 50% दुकान था, आज भी नाला के ऊपर है, नाला तो बन चुका है, नाला के नाम पे क्यों यहाँ पर ये किया जा रहा है। जिला हुगली के बांसवेड़िया गैंजेस जूट मिल इलाके में स्थित कल बाजार, जो कि एक विशाल मार्केट है, जिसमें कपड़े की मार्केट, राशन की दुकानें, सब्जी मार्केट एवं विभिन्न किस्म की और भी दुकानें हैं। आज यहां पर एक आपातकालीन बंदी मनाई गई। आखिर यह आपातकालीन बंदी क्यों मनाई गई थी, जिसकी सूचना एक दिन पहले माइकिंग कर इस प्रकार दी गई थी कि माइकिंग से लोगों को सूचित कर दिया गया था कि 1 अगस्त को जो है पूरे कल बाजार मंडी जो है वो बंद रहेगी, और एक कमेटी का मीटिंग होगा जिसमें समस्त दुकानदारों को आने की अनुरोध किया गया था। चूँकि एक नोटिस जारी किया गया है गैंजेस जूट मिल के जरिया, जिसमें यह बताया गया है कि अवैध कब्जे वाली जगहों को गैंजेस जूट मिल खाली चाहती है और रास्ते को बिल्कुल साफ करना है, जिसको लेकर उन्होंने एक अभियान चलाया और माइकिंग कर लोगों को सूचना दी। इसी को लेकर बाजार समिति ने इस कदम को उठाया। आइए देखते हैं उनका क्या कहना था। बाजार बांसवेड़िया मिल बाजार व्यवसाय समिति के अंतर्गत जो हमारा ये बाजार एक दिन का आपातकालीन बंद किया गया था, क्योंकि ये मतलब हम सभी बाजार समिति सदस्य, यहाँ पर मुदीखाना मार्केट है, सब्जी मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, ये हमने अभी तक अभी ऐसा कभी भी एक साथ बंदी नहीं किया। ये हम लोगों ने अपनी एकता को बनाने के लिए, एकता को साबित करने के लिए किया है, क्योंकि जैसा कि पिछले महीने राज्य सरकार ने कुछ निर्णय लिया था कि किसी भी सरकारी जगह पर किसी तरह का अवैध कोई भी घर मकान या कुछ भी हो तो उसको सही तरीके से ढंग से उसको तोड़ा जाए या बनाया जाए, तो उसके ही बारे में मतलब एक नोटिस जारी किया गया था हमारे बांसवेड़िया गैंजेस जूट मिल की तरफ से कि कुछ यहाँ झंडी मैदान से कुछ यहाँ पर पान दुकान ये लोगों को मतलब एक जुलाई को वो नोटिस दिया गया था, जो कि मेरे पास ऑफिशियल यहाँ पर है, ठीक है। तो वो नोटिस के अंतर्गत 31 तारीख तक उन सभी दुकानों को खाली किया जाएगा गैंजेस जूट मिल की तरफ से, ठीक है। तो वो होने के बाद हमारे सोमवार को ये बाज़ार बंद रहता है। अचानक से हमें मुझे सुबह फ़ोन आया कि बाज़ार में कुछ हलचलें हो रही है, मिल के तरफ से कुछ बातें हो रही है। उसके पहले तो मिल वालों ने तो मिल के तरफ से टोटो में कुछ अनाउंसमेंट की जा रही थी कि बाज़ार जो जो अवैध ये है कब्जा अब तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये तो कोई प्राइवेट ये तो कोई सरकारी जगह नहीं है, ये तो एक फैक्ट्री बेस या फिर प्राइवेट संपत्ति है, तो यहाँ पर तो सरकारी नियम का तो अभी कोई ये नहीं है, या राज्य सरकार ने कोई उनको आदेश नहीं दिया कि आप ऐसा कुछ कर सके। हम लोग यहाँ पर 20-30-50 सालों से 60 सालों से यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार स्थायी तौर पर अपना दुकानदारी घर की आजीविका चला रहे थे। तो सोमवार को क्या हुआ कि यहाँ पर मिल के तरफ से कुछ लोग आए यहाँ पर रास्ते में, जो एक यहाँ पर बहुत बड़ा हाइड्रेन है तो उसके ऊपर जितने घर दुकान मकान है उसको मार्किंग किया जाता है रेड कलर से। तो हम लोग आए जहाँ पर हो चुका तो हो गया, फिर जाकर हमने पूछा क्यों मार्किंग किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि मिल ने बोला जस्ट वो अपना हाई ड्रेन देखने का। अब ये हाई ड्रेन का जो बात है, 3 महीना पहले यहाँ पर हमारे 19 नंबर वार्ड के दोनों काउंसिलर शाहिद अंसारी और के दुर्गा राव के अंदर में मतलब दोनों के बातचीत के अनुसार हम लोगों बाजार कमेटी का बात भी हुआ था कि यहाँ पर हाई ड्रेन बनेगा, जो कि बन चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सड़क के नीचे ये हाई ड्रेन बन चुका है। तो अब जो वो दुकान जिस बारे में मिल बोल रहा है वो हाई ड्रेन का यहाँ कोई काम नहीं है, कोई ऑपरेशनल नहीं है, वो साफ करने का तो कोई बात ही नहीं है। 55 लाख का प्रोजेक्ट यहाँ पर पौरसभा की तरफ से दिया गया था, वो हाइड्रेन बन चुका है। तो भाई आप मिल यहाँ पर किस बिहाफ में यहाँ पर हमारा हाइड्रेन को बंद करने या कुछ भी कारणवश हमारे दुकानों को तोड़ने या कुछ भी उनकी क्या मंशा है अभी हमें पता नहीं है।
ऑफिशियल तौर पे उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमारे कमेटी मैनेजमेंट या किसी दुकानदार से कोई बातें नहीं की, लेकिन वो जिस तरह के आतंक मतलब जो एक हम लोग आपस में दुकानदार अभी दुकानदार हम लोग आतंकित हुए सभी तरह के, यहाँ चाहे मोदी खाना हो, चाहे कपड़ा बाजार हो, चाहे सब्जी बाजार हो, चाहे किसी भी तरह का छोटे मोटे पान स्टॉल या जो भी दुकान है, तो हम लोग आतंकित हुए। हम लोगों ने अपना चर्चा किया, तो विगत हम लोगों ने कल या परसों दिन मंगलवार को सभी दुकानदारों ने एक छोटी सी बैठक की थी, तो उसमें हमने तय किया था कि हम लोग उसमें सभी दुकानदार मौजूद नहीं थे, दुकान खुलने के पश्चात हम लोग सभी दुकानदार एक साथ मीटिंग नहीं करते, तो हमने वहाँ पर निर्णय लिया था कि एक दिन हम लोग 31 तारीख बोले महीने का शुरुआत है, 1 तारीख को हम लोग आपातकाल इन बंदी हम लोग एक दिन के लिए, ये कोई हड़ताल नहीं है, ये सिर्फ बंदी हमारे दुकानदार व्यवसायी भाइयों के लिए है, जिसका मैंने हम लोगों ने सूचना पहले ही एक दिन पहले टोटो से पूरे इलाके में दे दिया, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो कि आप लोगों का जो दिनचर्या का रोज का खाने पीने की वस्तु वो एक दिन के लिए खरीदे, कल से हमारा बाजार फिर से सुचारू रूप से चलेगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो उसी वजह से हम लोगों ने सबको जानकारी दे दी थी, एक दिन के लिए आपातकाल बैठक हुई, सभी दुकानदारों ने अभी मिलकर बाजार के पूरे हमारे अपना मार्केट में वहाँ पर जाकर सभी ने बैठक की, हम लोगों ने अपना जो बातचीत करना सभी दुकानदार कि हम लोग एकता के साथ बनाए रखेंगे, कभी भी किसी भी दुकानदार पे एकल अगर कोई परेशानी यदि किसी भी सामूहिक रूप से, तो हम सभी बाजार समिति एक है, यहाँ पर कोई राजनीति क्या सड़कें छोटी हो गई, सड़क पे दुकान लगा दिया जा रहा है, नहीं सड़कें तो पूरी है, पूरी सभा का बनाया आप और भी बोल रहा है हम तो कार्रवाई करें, अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन है बेनू, तो ऐसा कंपनी का कहना है, नोटिस में भी लिखा था, कई बार ये लिखा था और उसके बाद नहीं करने से कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसी बात लिखी हुई। बेशक कंपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करे, हम भी अपने कानूनी कार्रवाई के लिए सक्षम है, और जहां तक सरकारी नियम अनुसार कोई भी जगह पे कोई भी स्थानीय लोग अगर 20 साल से अधिक या उससे अधिक समय से रहते, तो वो कानूनी तौर पर उनका हो जाता है। हम लोग भी जानते हैं कि कोई भी किसी का भाड़ा घर में 20 साल 30 साल रहने के बाद वो वहां से जाया नहीं जाता, हम लोग यहां 50 60 70 सालों से, कुछ कुछ 100 सालों से, ये दुकान यहां पर लगभग 70 साल है, उनके कागज कंपनी यहाँ बहुत जगह परमिशन दिया हुआ है, उनका भाड़ा कुछ भी है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर है। आप हाई ड्रेन के बहाने से, आपने जो नोटिस जारी किया हाई ड्रेन के बहाने से, हाई ड्रेन तो यहाँ बन चुका है, सरकार ने तो यहाँ पर हाई ड्रेन का फंडिंग भी दे दिया, हाई ड्रेन बन चुका है, बनने के बाद यहाँ रास्ता बन रहा है और वो ऑपरेशनल है, आप देख सकते हो कैमरा घुमा के यहीं पर हाई ड्रेन बना हुआ है उसका, ठीक है, आप जिस जगह पे वहीं पर हाई ड्रेन है, तो कंपनी का ये तो बेफिजूल की बातें हैं। बाकी अगर कंपनी कोई स्टेप लेता है तो कुछ ऑफिशियल होना चाहिए या नोटिस होना चाहिए या कुछ भी, ताकि हम लोग उसके लिए तैयार हो कानूनी तौर पे, कुछ भी तौर पे, हम लोग आतंकित ना, मन में भय क्यों लाया जा रहा है, हम लोगों तो मन में भय लाया जाए ना, दुकान आज क्या इस कारण से आप लोग इकट्ठे हैं, तो बाई चांस अगर कंपनी कोई जोर जबरदस्ती करती तो आप लोग, ठीक है, कंपनी जोर जबरदस्ती जो इतनी बड़ी संस्था है उनको तो इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर कोई भी बात होती है तो ऑफिशियल तौर पे उनको नोटिस दिया जा देना चाहिए और हमें मैनेजमेंट को जनाना चाहिए, मैंने हमारे कमेटी मैनेजमेंट को, ताकि हम लोग बैठ के बात कर सके, अगर इस तरह उन्हें आज उन्होंने नोटिस दिया कल आकर बुलडोजर लेकर आया तोड़ देंगे, तो इस तरह से तो किसी का भी फायदा नहीं है, सरकार भी नहीं चाहिए किसी का घर का मतलब आजीविका का जो स्रोत है वो टूटे, इनका अपना यहाँ दुकान है, इनके दुकान में मार्क कर दिया गया है जिस तरीके से, तो वहाँ पर उनका 80% दुकान का मार्क कर दिया गया कि हाँ जिस तरह से भयभीत हो रहे कि उनका दुकान टूट जाएगा, 2 तल्ला दुकान है, लगभग 50-60 सालों से या 40 साल से है, इनके पिताजी ने बनाया, अभी ये चला रहे हैं, इनके पीछे पुत्र चला रहे हैं, तो अचानक से अगर हम लोग तैयारी करने का कोई वक्त नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से यहाँ पर लगभग 50-100 दुकान है, आज भी नाला के ऊपर है, फिर भी नाला तो बन चुका है, तो नाला के नाम पे क्यों यहाँ पर ये किया जा रहा है, नाला तो अगर नाला बन चुका है तो नाले के नाम पे तो यहाँ पर कोई तरह का समस्या नहीं होना चाहिए, नाला साफ करने के लिए नाला जब नाला नहीं नया नाला नहीं बना तो कंपनी का नाम था कि इतना पैसा लग रहा है नाला साफ नहीं होता, अब उनका एक बहाना था नाला साफ नहीं हो रहा, अब नाला बन जाने के बाद अब उनको नाला का